हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। ये है स्विफ्ट सीएनजी का वीएक्सआई वेरिएंट। इस कार की एक्स शोरूम कीमत है 8,19,000 रुपये और अगर आपको ऑन रोड कीमत इसकी जाननी है तो आप नीचे अपनी सिटी कमेंट कर सकते हैं। हमें इसमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जिसकी क्लेम्ड माइलेज है 32.5 किलोमीटर पर केजी। ये क्लेम्ड माइलेज है, रियल माइलेज क्या रहेगी वो टेस्ट करनी पड़ेगी। ये इंजन 68 BHP की पावर जनरेट करता है और 101 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। हम इस वीडियो में चेक करेंगे इसका एक्सटीरियर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। कुछ ऐसे मिल जाते हैं इसकी फ्रंट से लुक। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं हमें। अंदर एक क्रोम इंसर्ट की गई है और नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये LED नहीं मिलते हैं। नीचे फॉग लैंप्स हमें इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। ये है ना ब्लैक फिनिश में इसकी फ्रंट ग्रिल दी गई है जो कि कुछ ऐसी लगती है देखने में, और नीचे ब्लैक कलर में स्किड प्लेट का डिज़ाइन दिया गया है। साइड प्रोफाइल इसकी चेक करते हैं, कुछ ऐसी लगती है साइड से स्विफ्ट CNG VXi। ये स्विफ्ट का पुराना आइकॉनिक डिज़ाइन ही काइंड ऑफ कंटिन्यू किया गया है जो इसकी शेप है, काफ़ी अच्छी लगती है साइड से देखने में ये कार। चलिए अब इसकी टायर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। MRF के टायर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टील रिम व्हील इसमें दिए गए हैं, अलॉय व्हील हमें नहीं मिलते, बट व्हील कैप ज़रूर प्रोवाइड की गई है सिल्वर कलर में। इसकी टायर प्रोफाइल है 165/80 और 1414 इंच के टायर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और भी हमें बॉडी कलर मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल दिए गए हैं और ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर तीनों ही मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं इसमें। अब बैक प्रोफाइल पे आ जाते हैं। पेट्रोल और सीएनजी में कोई डिफरेंस नहीं है बैक प्रोफाइल में, दोनों आपको सेम मिलती हैं। बीच में सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग हमें मिल जाती है। रियर डिफोगर यहाँ पे मिल जाता है हमें, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है, बट वाइपर एंड वॉशर इस वेरिएंट में हमें नहीं मिलता। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल एंटीना मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में नहीं दिया गया और रूफ रेल्स भी हमें नहीं मिलती इस वेरिएंट में। LED टेल लैम्प सेटअप दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और नीचे की तरफ हमें 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। चलिए इसका बूट स्पेस अब चेक कर लेते हैं। मैनुअल ओपनिंग के साथ आपको बूट मिल जाता है। 265 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है पेट्रोल वेरिएंट में। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितना सामान रख सकते हैं। एक बैकपैक आप आराम से रख पाएंगे, आई थिंक यहाँ पे 2 से 3 बैकपैक आप आराम से कैरी कर पाएंगे। एक छोटा कैबिन लगेज भी आप इसमें रख पाएंगे। करते हैं बूट को बंद और डैशबोर्ड इसका चेक करते हैं। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर इस वेरिएंट में हमें नहीं मिलता है। ऑल ब्लैक हमें थीम मिल जाती है इंटीरियर की। यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर हैंडल दिया गया है और ये हमें विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑटो अप एंड डाउन के साथ आपको ड्राइवर साइड विंडो मिल जाती है। लॉक अनलॉक का बटन है, विंडो को लॉक करने का बटन है। यहाँ पे ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल मिल जाता है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए बटन दिया गया है, फ्यूल स्विच के लिए बटन दिया गया है और एक हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी शेप में आपको AC वेंट मिल जाता है साइड का। हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, सो 4-way एडजस्टेबल ये सीट्स दी गई हैं। फैब्रिक फिनिश में ये सीट्स दी गई हैं। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और स्टिचिंग की क्वालिटी भी डिसेंट है। फ्रंट हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। चलिए बैठते हैं कार के अंदर और इसका डैशबोर्ड को चेकआउट करते हैं। दोनों ही डिजिटल की हमें मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, जिसमें लॉक और अनलॉक के लिए बटन दिया गया है। डैशबोर्ड
डी कट हमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है इसमें, जिस पर कोई लेदर रैपिंग नहीं दी गई, बट काफ़ी कंफर्टेबल है ये स्टीयरिंग। यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए, कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, और वॉइस कमांड्स के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और राइट साइड में हमें कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं स्टीयरिंग पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पार्ट डिजिटल हमें मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, दूसरी तरफ आरपीएम मीटर हमें मिल जाता है, और बीच में एक छोटी एमआईडी दी गई है जिसपे आप इंडिकेशंस देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ वार्निंग लाइट्स अवेलेबल हैं। इस वेरिएंट में हमें 7 इंच का ये टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही अवेलेबल हैं। टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है टच रिस्पॉन्स, और साइड में कुछ कैपेसिटिव टच बटन्स भी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ताकि ड्राइविंग करते टाइम आपका सारा फोकस टच स्क्रीन पे ना रहे, तो सेफ्टी के हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। इधर भी आप देख सकते हैं कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं टच कैपेसिटिव बटन्स। यहाँ एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हैजर्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, ऑटो एसी यूनिट आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। से नीचे यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, फ़ोन यहाँ पे रख पाएंगे। उसके बाद 2 कप होल्डर हमें मिल जाते हैं, और कुछ इस तरह का आपको गियर लीवर मिल जाता है। जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट होता है, रीच के लिए एडजस्ट नहीं होता। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाता है, आर्म रेस्ट यहाँ नहीं दिया गया है। साइड में ग्रैब हैंडल मिल जाता है हमें, और यहाँ पे कैबिन लैंप मिल जाता है हेलोजन में। मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको IRVM मिल जाता है, और हमें पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर भी दिया गया है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता, बट यहाँ पे आप अपना पेपर वर्क वगैरह रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स इसका चेक कर लेते हैं, एक ठीक ठाक साइज का ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है, बट कूलिंग का फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। स्विफ्ट के CNG वेरिएंट में आपको टायर पंचर रिपेयर किट मिल जाती है, स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं है। तो ये हुई फ्रंट डैशबोर्ड की बात, अब हम चेक करेंगे बैक सीट में कैसा कंफर्ट मिल जाता है। मैं फ्रंट सीट को एडजस्ट करने वाला हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, एंड फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'7", उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे रियर सीट में कैसा कंफर्ट मिल जाता है। बैक डोर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगेन ऑल ब्लैक थीम यहाँ पे हमें मिल जाती है, सारा हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। क्रोम हैंडल आपको मिल जाता है, और विंडो के कंट्रोल, नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, एक स्मॉल साइज़ की बोतल आप रख पाएंगे इसमें। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा नी रूम यहाँ पे मिल जाता है, और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, थाई रूम डिसेंट इनफ है, और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है अकॉर्डिंग टू माई हाइट। रियर सीट में हमें फिक्स हेडरेस मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, और मिड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। 3-point सीट बेल्ट मिल जाती है तीनों ही पैसेंजर के लिए, विद आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। रियर में कोई AC वेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे एक बोतल होल्डर मिल जाता है हमें। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हमें स्विफ्ट में, और ABS विद EVD भी इसमें अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।